नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 179 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बिहार में बढ़कर 2,166 हो गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें मधुबनी में 32, कटिहार में 19, बेगूसराय में 20, समस्तीपुर में 10, पटना में 9, गोपालगंज में 9, सारण में 6, मधेपुरा में 2, अरवल में 2, नवादा में 3, खगड़िया में 14, सुपौल में 1, पूर्वी चंपारण में 7, गया में 7, भागलपुर में 5, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 3, वेस्ट चंपारण में 5, सीतामढ़ी में 5, बक्सर में 13, कैमूर में 1 और वैशाली में 1 पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। बिहार में कोविड-19 से 629 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोविड-19 का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ प्रवासियों के आने से राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़े थोड़ी राहत दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक 629 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रवासियों के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया कि 3 मई के बाद से बीते दिन तक आए सभी प्रवासियों में से 1,184 प्रवासी संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली से आने वाले लोग प्रभावित पाए गए हैं। बिहार में बीते दिन 58,481 मरीजों की हुई जांच। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते दिन 10 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार अभी तक 58,481 टेस्ट करवाए गए हैं। वहीं 3,311 जांच की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं बीते दिन तक 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, बिहार में प्रवासियों के आने के बाद से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में अब पहली रिपोर्ट आने के बाद मरीजों को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए खबर के अनुसार अब कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। इससे पहले मरीजों के 2 रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाती थी। वहीं मरीजों को 10 से लेकर 14 दिनों का समय लग जाता था। ICMR की नई गाइडलाइन के तहत पटना में ऐसा पहली बार हुआ है जब संक्रमित की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे घर भेजा जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी यह कहा है कि पहले रिपोर्ट पर जिन 3 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, उनमें कोई लक्षण नहीं मिले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी मजदूरों से की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सभी प्रवासी मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने सभी प्रवासी मजदूरों को बिहार में काम देने का आश्वासन दिया है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आप सभी अभी जहां हैं वहीं रहकर अपने श्रम व कौशल का उपयोग करें, बिहार के विकास में भागीदारी बने। सरकार आपके लिए श्रम नीति तैयार कर रही है। इसका मकसद होगा कि अधिक से अधिक मजदूरों को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें, बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का वीडियो डिजिटल निरीक्षण किया था। शाही लीची की होम डिलीवरी अब करेंगे डाकिया। मुजफ्फरपुर के शाही लीची की होम डिलीवरी अब डाकिया करेंगे। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग की संयुक्त पहल से लोगों के घर घर तक शाही लीची की खेती जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के इस माहौल में देश के बड़े शहरों के बाजारों में जाने वाले लीची की क्षतिपूर्ति इस नई योजना से करने की तैयारी की गई है और 25 मई से इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके तहत अब आम नागरिक को horticulture.bihar.gov.in पर मात्रा के हिसाब से ऑर्डर करना होगा। साइकिल पर पिता को बिठाकर दरभंगा पहुंची बिहार की बेटी को अखिलेश यादव ने 1,00,000 देने का किया ऐलान। बीते दिन हरियाणा के गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा पहुंची बेटी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके बाद जगह जगह से उसे सम्मानित करने का ऐलान जारी किया गया था। वहीं इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ज्योति को 1,00,000 की मदद देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सरकार से हार कर एक 15 वर्षीय लड़की निकल पड़ी अपने पिता को लेकर लगभग 1200 किलोमीटर के सफर पर दिल्ली से दरभंगा तक पहुंची है। आज देश की हर नारी को आपके साथ है। बिहार में जल्द ही करीब 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार में बहुत जल्द ही करीब 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसके लिए विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। प्राथमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए यह बताया है कि NCTE की ओर से 18 महीने के DL.ED कोर्स की मान्यता मिलने के बाद बहाली का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए बिहार सरकार ने LPA दायर नहीं करने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा है कि सब कुछ सही चला तो इसी महीने शिक्षकों की बहाली से संबंधित शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। अब प्रवासियों को सरकार देगी मिड डे मील। प्रवासियों के खाने पीने का इंतजाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में स्टोर किए गए अनाज का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने क्वारंटाइन सेंटरों में अब मिड डे मील देने का ऐलान जारी किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी DM और DEO को पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दे दी है। पत्र में कहा गया है कि बंद से पहले सभी जिलों के विद्यालयों में MDM संचालन के लिए खाने पीने के सामान का आवंटन किया गया था। वर्तमान में बंद की वजह से मिड डे मील योजना का संचालन बंद है। वहीं इसकी राशि छात्रों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने मिड डे मील के लिए रखे गए खाने पीने के सामान का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
बीते दिन से पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के 15 स्टेशनों पर टिकट काउंटर खुले। बंद के बीच मिल रही छूट में अब रेलवे ने काउंटर को भी खोलना शुरू कर दिया है। बीते दिन सुबह 8 बजे से दानापुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों को कुल 22 काउंटर खोले गए हैं, जिसमें पटना जंक्शन के 4, दानापुर के 2 और राजेंद्र नगर टर्मिनल के 2 और पाटलिपुत्र जंक्शन के 1 आरक्षण टिकट काउंटर समेत रेल मंडल के 22 टिकट काउंटर शामिल थे, जिसकी जानकारी दानापुर रेल मंडल के सीनियर DCM आधार राज ने दी है। वहीं उन्होंने बताया है कि पटना से दानापुर रेल मंडल समेत 15 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना को बचाने के लिए 167 करोड़ की लागत से समर्सिबल पंप की हुई खरीदारी। पिछले साल अक्टूबर महीने में बारिश के कारण पटना वासियों को हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जल जमाव जैसी समस्या दोबारा ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए सचिवालय सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि पटना को जल जमाव से बचाने के लिए 167 करोड़ की लागत में पंपिंग स्टेशनों में 265 वर्टिकल समर्सिबल पंप, CF पंप, डीजल जनरेटर सेट, ट्रॉली माउंटेड पंप, डीजल पंप आदि की खरीदारी का आदेश जारी किया गया है। इसकी आपूर्ति 31 जुलाई के पहले होने की उम्मीद जताई गई है। सप्त ऋषियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है बिहार भाजपा। कोविड-19 के इस माहौल के बीच बिहार भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने में सारा ध्यान लगा रही है। इसी क्रम में भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अब अपने सप्त ऋषि कमेटी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों को संबोधित करेंगे। उसे यह सप्त ऋषि अपनी अपनी जगह पर लोगों को सुनाएंगे। आपको बता दें, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में भाजपा हर बूथ पर सप्त ऋषि कमेटी बना रही है। शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए डॉक्टर मदन मोहन झा ने सरकार को लिखा पत्र। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने शिक्षकों के वेतन एवं बकाया राशि को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसके तहत उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार तुरंत शिक्षकों को उनका वेतन मुहैया करवाए, जिसके तहत उन्होंने आग्रह किया है कि मासिक वेतन एवं सातवें वेतन के एरियर भुगतान में न्यायालय के आदेशों के आलोक में सब कुछ अंतिम रूप में से स्पष्ट कर दिया जाए, तब तक भुगतान पर रोक के आदेश को वापस ले लिया जाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने भी सरकार से मांग करते हुए तत्काल शिक्षकों को वेतन देने की अपील की है। मैट्रिक के परीक्षार्थियों को थोड़ा और करना होगा इंतजार। मैट्रिक के रिजल्ट के लिए बीते दिन आने की संभावना को व्यक्त किया गया था, लेकिन स्टूडेंट इंतजार करते रह गए, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए गए थे, जिसके बाद अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को कुछ और दिन के लिए टाल दिया है। जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा है कि पोस्ट इवैल्यूएशन प्रक्रिया में थोड़ा काम लंबित है, इसलिए रिजल्ट आने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। जदयू नेता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। जदयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि बेशर्म के लाल अरविंद केजरीवाल कभी नहीं समझेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय तक नहीं समझ पाया कि बढ़ता संक्रमण, बढ़ती भूख से निपटने का एक ही फॉर्मूला, प्रवासी मजदूरों को भगाओ, देश में संक्रमण बढ़ाओ। कोरोना का ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरा है हमारा लाल केजरीवाल। इसके साथ ही अजय आलोक ने एक प्रवासी मजदूर का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें प्रवासी मजदूर बिहार वापस आने की जद्दोजहद में जुटा है, क्योंकि उसे वहां पर खाना पीना पिछले कई दिनों से नहीं मिला है। पैदल चल रहे प्रवासियों से सरकार ने की अपील। बिहार में बीते कई दिनों से प्रवासियों की आवाजाही का सिलसिला जारी है, जिसके लिए बिहार सरकार ने अब तक कई सारे श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी करवाया है। वहीं इसी क्रम में बिहार सरकार ने सभी प्रवासियों से अपील करते हुए बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि जो भी प्रवासी अन्य राज्यों से पैदल या बस के माध्यम से आ रहे हैं, वैसे प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी तरफ से 26 अंतर जिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवा रही है, जिसकी मदद से 42,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को अलग अलग जिलों में ठहराव स्टेशन पर पहुंचाया जा रहा है। बिहार आने वाले सभी प्रवासियों को सरकार ने अनाज देने का जारी किया ऐलान। लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी अब अपने अपने घर जा रहे हैं। इसी क्रम में बीते कई दिनों से बिहार में अब तक लाखों प्रवासियों की वापसी हो चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासियों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, इस सूची में वैसे श्रमिकों को जोड़ा जाएगा जिनके पास पहले से राशन कार्ड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी पुष्टि खाद्य विभाग ने की है। 24 मई से वंदे भारत मिशन के तहत गया पहुंचेंगे विदेशी भारतीय। कोविड-19 को लेकर जारी बंद में कई अहम देशों से भारतीय प्रवासी अब वापस भारत लौट रहे हैं, जिन्हें वंदे भारत मिशन के तहत हवाई जहाज से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस मिशन का बिहार में लैंडिंग पॉइंट गया एयरपोर्ट को बनाया गया है। इसकी तैयारी को लेकर आयुक्त कार्यालय ने सभागार में मगध प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई है। वहीं अब 24, 25 और 26 मई को लगातार विमान वंदे भारत मिशन के तहत गया बिहार पहुंचने वाले हैं। 24 को मस्कट से, 25 को दोहा से, वहीं 26 को बिश्केक से प्रवासी यात्री यहां पहुंचने वाले, जिनको लेकर गया एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडिंग, होटल बुकिंग और साथ ही साथ सारी व्यवस्था की गई है।
बिहार पुलिस के खिलाफ अगर है कोई शिकायत तो करे इस नंबर को डायल। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार अपने विभाग के खराब हो चुके छवि को साफ करने में लगे रहते हैं। इसके तहत वह समय समय पर तरह तरह के नुस्खे अपनाते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन बिहार पुलिस महकमे के सीनियर पदाधिकारी और डीजी सेल के टीम के सदस्यों के साथ बैठक कर एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अब बिहार पुलिस के खिलाफ आम नागरिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिसके तहत अब डीजी सेल में दिए गए नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको बस व्हाट्सएप नंबर 9431602301 पर पुख्ता जानकारी देनी होगी। 1 जून से भागलपुर रेलखंड पर ब्रह्मपुत्र मेल का परिचालन होगा शुरू। 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला सुनाया गया है। इसमें भागलपुर से चलने वाली कई ट्रेन नहीं थी, लेकिन इस रेलखंड पर चलने वाले ब्रह्मपुत्र मेल के परिचालन की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ट्रेन की सूची में नाम शामिल कर लिया गया था। वहीं इसकी बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। टिकट की बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के लॉग इन करना होगा, जिसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के CPRO ने दी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 22 जोड़ी ट्रेन ऐसी होंगी जो बिहार के स्टेशन से खुलेंगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बीते दिन विपक्षी दलों की हुई बैठक। बीते दिन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कई अहम बातों पर फैसला लिया गया है, जिसमें COVID-19 के इस माहौल में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों एवं आर्थिक पैकेज पर विस्तृत चर्चा की गई है। वहीं बीते दिन हुए बैठक में बिहार के महागठबंधन नेताओं के साथ भी बैठक की गई है। इस बैठक में महागठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी समेत 22 नेता शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन बिहार सरकार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट कर कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए राजद के द्वारा चलाए जा रहे लालू रसोई की लोकप्रियता से परेशान बिहार सरकार अब इसे उजाड़ने में लगी हुई है। दरअसल राजद ने बीती रात्रि यूपी बिहार सीमा पर प्रवासी श्रमिकों के लिए संचालित भोजनालय को सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा बलपूर्वक हटाए जाने की बात कही थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था कि क्या जरूरतमंद गरीब और श्रमिकों को भोजन कराना कोई गलत बात है क्या? बिहार सरकार और प्रशासन क्यों नहीं भोजनालय संचालित करने दे रही है? RBI ने आम नागरिकों के सरोकार के लिए किए 5 बड़े ऐलान। RBI ने बीते दिन आम नागरिकों के सरोकार के लिए 5 बड़े ऐलान किए हैं, जिसके तहत RBI ने EMI का बोझ घटाने का इंतजाम किया है। इसके लिए रेपो रेट में 40 BPS कटौती का ऐलान जारी किया गया है। इसके साथ ही RBI ने EMI पर छूट का ऑप्शन 3 महीने और बढ़ा दिया है। आयात निर्यात को बूस्ट करने के लिए प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट के पीरियड को 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने के लिए कर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि के लिए खाद्यान्न उत्पाद 3.7% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर हुआ रिलीज। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जारी किए गए ट्रेलर में अमिताभ बच्चन एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनकी आयुष्मान खुराना से मकान को लेकर खूब बहसबाजी हो रही है। ज्ञात हो ट्रेलर से संबंधित जानकारी अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना और सुजीत सरकार ने एक वीडियो जारी करके दी थी। वहीं गुलाबो सिताबो का प्रीमियम 12 जून को होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, COVID-19 के इस माहौल में इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। हार्दिक पांड्या की जर्सी नंबर 228 के पीछे की वजह आई सामने। भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी मैदान पर अपने बल्लेबाजी को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आए दिन वह मीडिया की गलियों में चर्चा का पात्र बने रहते हैं। जिसके तहत हाल ही में ICC ने हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसके तहत ICC ने सवाल पूछा है कि आखिर क्यों हार्दिक पांड्या नंबर 228 वाली जर्सी पहनते हैं, जिसके जवाब में मोहनदास मेनन ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि साल 2009 में Under-16 विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में बड़ौदरा के लिए कप्तानी संभाल रहे हार्दिक पांड्या ने मुंबई के खिलाफ 228 रनों की पारी खेली थी। इस मैच के बाद हार्दिक पांड्या का यह नंबर फेवरेट बन गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रवि किशन, कृष्णा कुमार, सुबोध रॉय, पालकी कुमारी, मोहम्मद इरफान, सोनू कुमार, शिवशंकर सिंह, मोनू कुमार, हरेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह, पप्पू कुमार, तेज सिंह, मीना देवी, रेखा यादव, जसमीत कौर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से आज के तारीख में इंडियन टीम के सबसे बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।